इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर 12 बजे का वक्त है और अब वक्त है इलेक्शन का, सबसे बड़े शो का। अब की बार किसकी सरकार, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब से जुड़ी हुई बड़ी सियासी खबरें, जो 2022 में पार्टी की दशा दिशा दोनों आपके सामने रखेगी। लेकिन आज की टॉप 3 खबरों में हम बात करने वाले हैं केवल और केवल उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आज पूरी गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहली बड़ी खबर की आपको जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश से जहां जनसंख्या पर नई जंग शुरू हो चुकी है। योगी 2022 के चुनाव से पहले दो बच्चों की नीति लाने वाले हैं, जिसे लेकर नया सियासी बवाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या नीति की, उसके बाद फिर बात होगी योगी आदित्यनाथ के ओबीसी कार्ड की। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वालों पर अटैक किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष केवल अंबेडकर और लोहिया का नाम लेता है, जबकि उनके सपनों को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, कौन रोकेगा योगी का विजय रथ, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि आज ब्लॉक्स पर चुनाव हो रहे हैं और ब्लॉक प्रमुख के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही 334 सीटों पर लीड ले चुकी है। निर्विरोध जीतकर वो सबसे आगे चल रही है और जिन सीटों पर आज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान है, 3 बजे के बाद जब इसके नतीजे आने शुरू होंगे तब ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इलेक्शन शो की शुरुआत उस खबर से हम कर रहे हैं जो 2022 के चुनाव में यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बन रही है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही नई जनसंख्या नीति लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद नई पॉपुलेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट की प्रेजेंटेशन देखी थी और अब इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार के पास इन सुझावों को भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो फाइनल स्वरूप होगा वो आप लोगों के सामने आएगा। आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी से कि नई पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या क्या बातें हैं। नई पॉलिसी में छोटे परिवार पर जोर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार का फोकस टू चाइल्ड पॉलिसी पर रहेगा। एक एक करके आपके सामने ये पॉइंट्स रख देते हैं। ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं और 19 जुलाई के बाद ड्राफ्ट सरकार को भेजा जाएगा, जिस पर फाइनल मंत्रणा होगी। ड्राफ्ट में टू चाइल्ड पॉलिसी पर केंद्रित किया गया है इसे, और दो बच्चे वाले परिवारों को सरकार विशेष सुविधाएं देगी। दो बच्चे होने पर ही सरकारी सब्सिडी का भी प्रस्ताव रखा गया है। दो बच्चे होने पर ही मुफ्त राशन भी दिया जाएगा, सरकारी शिक्षा का फायदा भी छोटे परिवार को ही दिया जाएगा। छोटा परिवार जब मैं कहती हूँ तो मतलब जिस परिवार में माता पिता और दो बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि आने वाले दिनों में इस जनसंख्या की नीति को और राज्य भी लागू करेंगे। बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसका मिल करके मुकाबला कर सकते हैं। राज्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको नियंत्रित किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सरकार की राय तो क्या है ये जनता जान ही चुकी है, इसलिए मोहसिन जी मैं सबसे आखिर में आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सवालों की बौछार लेकर घनश्याम तिवारी जी और अमरनाथ जी तैयार होंगे। तो घनश्याम जी, सबसे पहले आप ये बताएं, जिस ड्राफ्ट को इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार दूरगामी बता रही है, क्या आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता थी? नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी। चीरहरण, अपहरण और नामकरण, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का यही चाल, चरित्र और चेहरा है। इसके इसकी बुनियाद पर सारा प्रोपेगेंडा है
जब उत्तर प्रदेश की गवर्नर ने इनके लव जिहाद लॉ के बारे में कहा कि सरकार लाई होगी तो कोई सर्वे किया होगा, इतनी बेशरम सरकार है कि अपने गवर्नर की बात को भी इन्होंने हल्का कर दिया, कोई सर्वे प्रस्तुत नहीं किया। अगर प्रोपेगेंडा पॉलिसी का आधार बन जाए, मैं चैलेंज करता हूं उत्तर प्रदेश का एक भी मंत्री जनसंख्या की वृद्धि के आधार के ऊपर चर्चा नहीं कर सकता। वो नहीं बता सकता कि जो देश में रिसर्च उपलब्ध है और बहुतेरी रिसर्च उपलब्ध है वो क्या कहती है। वो कहती है कि जनसंख्या की वृद्धि का आधार महिलाओं की बच्चियों की शिक्षा है, और जिस तरीके से स्कूल को नस्तनाबूद इन लोगों ने किया है, बच्चों की शिक्षा तो खत्म हो गई है। हर रिपोर्ट कह रही है कि बच्चों की शिक्षा पीछे की तरफ जा रही है। दूसरी हर रिपोर्ट कहती है कि बच्चियां अगर महिलाएं अगर रोजगार में जाती हैं, हमने सर्वे किया है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश में देखिए क्या स्थिति है, ग्रामीण जिलों में महिलाएं काम नहीं करना चाह रही हैं, इन्होंने सरकार ने ऐसा माहौल पैदा किया है, और जैसे चीरहरण का माहौल ये तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये चीजें और भी ज्यादा होंगी। तो सरकार को केवल प्रोपेगेंडा करना है, इनकी नीति किसी भी तय मानक या रिसर्च पे उपलब्ध नहीं है। आपकी हमारी बहस में एक मंत्री जी उपलब्ध है, इनसे कहिए, मैं सीधे तौर पर रिसर्च के आंकड़े के साथ इनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। क्या ये तैयार हैं? जिस नीति के को ये डिफेंड करने आए हैं, क्या उस नीति के तीन रिसर्च के आधार बता सकते हैं? कोई तीन रिसर्च पेपर जो सरकार ने प्रस्तुत किए हो जिसके आधार पर ये नीति बना रहे हैं, नहीं बता सकते। ठीक है, अब मैं जवाब लूंगी। आधार बना के अगर आपने कहा ये प्रोपेगेंडा है, ठीक है, आपने कहा ये प्रोपेगेंडा है। अब अमरनाथ जी, आपको भी लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत ही नहीं है, या फिर आपको टाइमिंग को लेकर कोई सवाल है? नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल। आप ये बताइए कि जनसंख्या की नीति जो नियंत्रण के लिए पहले जो नीतियां थी, क्या उनको लागू करने में सरकार ने कभी दिलचस्पी दिखाई? उन नीतियों को लागू करने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जितने जितने करीब आते जाएंगे, ये इस तरह की बातें करेंगे। अभी इस नीति को, इस अपने इस एजेंडे को किसी और तरफ घुमा के ले जाएंगे, जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इनका एजेंडा ही ऐसा रहता है कि आज जो जरूरत थी वो पेंडेमिक में, आज जरूरत थी जिस तरीके से बेड्स की, ऑक्सीजन की, सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए थी, महंगाई की, 110 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ जा रहा है, 100 रुपए के करीब डीजल पहुंचा जा रहा है, 200 रुपए का कड़वा तेल बिक रहा है, सरसों का तेल बिक रहा है, उस बात की चिंता इस सरकार को करनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में आज बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, आज पढ़ाई नहीं हो रही है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल है, उन बातों की चर्चा न करके ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जो जनता जनसंख्या नीति की लिए पहले से पॉलिसी थी, उसके विभाग हैं, उनमें इन्होंने चलाने की कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो विभाग मृत प्राय पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। मुझे बड़ी हैरानी है कि आप दोनों ही विरोध विपक्ष के नेता हैं, और आप लोगों ने एक ने भी ये नहीं पूछा कि इस ड्राफ्ट में आखिर है क्या, और इस ड्राफ्ट को अभी मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट की चर्चा के समय देख के होनी चाहिए, समय नहीं है अभी समय है। कोरोना काल से कोरोना में मरते हुए लोग इसी उत्तर प्रदेश ने देखे हैं, गांव-गांव जितने लोग मरे हैं उनकी पहले सरकार सही गिनती कराए और उनको जो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराए, तब से पहले तो जरूरत ये समझ गए। अब मोहसिन जी से हम जवाब ले लेते हैं। मोहसिन जी, सीधा आरोप आप पर यह है समाजवादी पार्टी का कि आपकी पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सब लोगों को वैक्सीन ठीक तरीके से मिल जाती, इसकी आवश्यकता थी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती इसकी आवश्यकता थी, शिक्षा बेहतर मिल जाती इसकी आवश्यकता थी, अभी आप जनसंख्या नियंत्रण पर यह नीति क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों ये ड्राफ्ट ला रहे हैं जिस पर अभी चर्चा भी नहीं हुई है विपक्षी दलों से? देखिए मीनाक्षी, सरकारें नीति और नियत पर आगे बढ़ती हैं, जन कल्याणी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ती हैं, जनता के हितों के लिए आगे बढ़ती हैं, और वो आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार कर रही है, जिसको लेकर अमरनाथ जी ने और जिसको लेकर घनश्याम जी ने बात की। कोरोना को इतने अच्छे से प्रबंधन संभाला है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश को कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रबंधन बहुत अच्छा रहा कोरोना में। WHO ने 2 बार कहा कि कोरोना को लेकर सबसे अच्छा इतने बड़े राज्य में योगी सरकार ने बहुत अच्छे से प्रबंधन को संभाला और प्रदेश की जनता को संभाला। और यही बात यूके के संसद में भी उठी कि इतने बड़े राज्य में योगी से सीखिए कि कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, जीवन और जीविका कैसे चलाई जा सकती है। तो ये अपने आप में उसका जवाब हो गया। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण ये आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये आदरणीय योगी सरकार की बहुत अच्छी पहल है,
लेकिन ये हम कांग्रेस की तरह थोपने का काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हम दो हमारे दो का नारा देकर इच्छा शक्ति नहीं जताई, बल्कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उस जमाने में नसबंदी करने लगे थे। हम तो जनता के बीच में मसौदा लेकर गए हैं, हमारा विधि आयोग लेकर गया है, और वो विधि आयोग की जो राय आएगी जनता से वो हमें स्वीकार होगी। और हमें लगता है कि हमारी नीति नियत साफ है, मसौदा जनता के बीच में दिया गया है, क्योंकि जनता के हितों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रहे हैं। जो सुविधाएं सरकार देना चाहती है, संपन्न करना चाहती है, मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है लोगों को, तो जब तक के हम संपन्न नहीं होंगे, जब तक के जनता जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी, तो ये तो पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी। अगर इच्छा शक्ति होती मीनाक्षी तो ये मसौदा कब का चर्चा होकर पूरा हो गया होता, क्योंकि कांग्रेस ने ही शुरू किया था, उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाला, जिसका परिणाम देश से भुगता। घनश्याम जी, अब सवाल इतना भर है कि आप ये देखेंगे कि बेहतर काम चुनाव से पहले हो रहा है इसलिए उस पर अंकुश लगना चाहिए, या आप ये देखेंगे कि बेहतर काम कम से कम हो तो रहा है, जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए पहले भी सरकारें कोशिश कर सकती थी, आज अगर ये कोशिश हो रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें तो कोई दो राय नहीं, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी संसाधनों में संसाधन उतने कम होते जाएंगे। रोजगार की आप जब बात करते हैं तो रोजगार के अवसर भी बेहतर होंगे अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। देखिए, मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ये लखनऊ में किसी पार्क के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, पहले सुन लीजिए, 20 सेकंड मुझे दीजिए। कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिले रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर परिवार, ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या मंत्री जी बता सकते हैं? 2017 के संकल्प पत्र का पहला पन्ना है भारतीय जनता पार्टी का, 32 पन्नों का संकल्प पत्र है, इसमें से कोई भी नारा गलत नारा नहीं है। इस संकल्प पत्र के आप एक मन से 1 से 32 का कोई एक संख्या बताइए, मैं वो पन्ना खोलूंगा, और उस पन्ने का अगर 3 चीज भी पूरा हुआ हो, मैं रोजगार में बताऊं, इन्होंने कहा था कि 90 लाख रोजगार देंगे, अब ये लोग कहते घूम रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हैं हम लोगों ने, हर परिवार हर बेटी को शिक्षा लोन देने की बात की थी, कितनी बेटियों को दी है? जब मैं अगर आप सशक्त नारी समान अधिकार, कितने बटालियन बनाए हैं महिलाओं के? जो पार्टी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के सब सिर्फ ढकोसले, ढोंग, गाली गलौज, अपहरण, चिरहरण, नामकरण, और दूसरी पार्टियों के काम काज अपने नाम पर करने की कोशिश करे, नए नए नारे दे, 32 पेज का घोषणा पत्र, एक पन्ना मंत्री जी नहीं कह सकते आप, एक पन्ना मंत्री एक ना एक अभी 13 उसी घोषणा पत्र में घनश्याम जी, मुझे यकीन है कि समान अधिकार और समान व्यवहार की भी, सबके विकास की भी बात की गई होगी, तो इसी से जुड़ी हुई एक खबर मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, फिर मैं आप तीनों नेताओं की राय उस पर लूंगी, क्योंकि आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, और सीएम योगी ने ओबीसी की सियासत करने वालों पर एक बड़ा अटैक किया। योगी ने पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी आयोग के गठन का भी विरोध किया था और जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को भी अपमानित किया था। योगी ने कहा कि विपक्ष केवल अंबेडकर और लोहिया का नाम लेता है, जबकि उनके सपनों को पूरा करने का काम पीएम मोदी ने किया। योगी ने ट्वीट के जरिए यह भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र संविधान की आत्मा को सच्चे अर्थों में चरितार्थ कर रहा है। सीएम योगी ने एसपी बीएसपी पर करारा वार किया। उन्होंने हालिया मंत्रिमंडल विस्तार की जमकर तारीफ की। योगी ने मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को पूरे भारत का प्रतिनिधि बताया। सीएम योगी ने लिखा, पीएम मोदी ने अंबेडकर और लोहिया जैसे महापुरुषों के सपने पूरे किए। पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मंत्रिमंडल में ओबीसी नेतृत्व को बड़ी भागीदारी जिम्मेदारी दी। देश सार्थक सकारात्मक सामाजिक बदलाव का गवाह बन रहा है। ऐसे में सामाजिक बदलाव का राजनीतिक विरोध अफसोसनाक है। विपक्ष ने ओबीसी आयोग का भी विरोध किया। विपक्ष ने बाबा साहेब अंबेडकर का भी अपमान किया। विरोधियों ने लोहिया के किसी सिद्धांत को नहीं माना, लेकिन पीएम मोदी ने संविधान को सही मायने में साबित किया। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से है, सर इसमें क्या गलत कहा योगी आदित्यनाथ ने? वो तो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दी गई है, और अगर भागीदारी परिलक्षित हो रही है तो इसका सीधा सीधा लाभ उनके समाज से आने वाली जनता को मिलेगा। ये वही लोग हैं जो आए दिन आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इस पे चर्चा बहुत बार हो चुकी है, इनकी नीयत पे सवाल है। आज चुनाव करीब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस तरह के ढकोसले किए जा रहे हैं।
साढ़े चार साल पहले ये बात क्यों नहीं की गई? अभी तो इनकी सरकार नहीं रहेगी, ये जो आइटम ला रहे हैं जितने जितने पेश कर रहे हैं, ये सरकार नहीं रहेगी छह महीने बाद, तब क्या करेंगे ये? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सब चीजें इस देश में कानून संबद्ध थी और सब चीजों के लिए व्यवस्था है। अपमानित करने का काम दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को इसी सरकार ने किया है। आज इनको अपने अपना दामन बचाने की चिंता हो रही है, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। इनको अपना दामन बचाना है। आरक्षण की बिहार में आपने देखा था, चुनाव हुए आरक्षण की बात हुई, बड़ी चर्चा हुई थी, बहुत सफाई दी गई थी। आज हम नहीं कह रहे, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में इनकी हार हुई, किसानों के बारे में जिस तरीके से इन्होंने झूठे कागज दिए, कोर्ट ने पूछा कि भैया किन किन से बात हुई थी आपने, ये तीन कानून बना दिए, नहीं दे पाए। इसी तरीके से इनमें है, कहां जनता से बात हो रही है, कहां मनाज जी, आपके हर एक आरोप पर मोहसिन रजा जी मुस्कुरा रहे थे, इसलिए मोहसिन जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने आपका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने पिछड़ों को चुनाव के वक्त अपने साथ लिया लेकिन हित साधने के बाद आप उन्हें भूल गए। संजय निषाद की हम बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनकी भी कोई भागीदारी होगी लेकिन आप उन्हें भी भूल गए। मीनाक्षी जी किस दबाव में अनुप्रिया पटेल ली गई है? देखिए आरोप तो कांग्रेस ये भी लगा रही है कि अनुप्रिया पटेल को भी दबाव में आपने जगह दे दी है। राजभर जी का क्या दबाव रहा इनके साथ? जी जी, दबाव में निषाद पार्टी का दबाव, ऐतिहासिक इन्होंने काम नहीं किया। मोदी सरकार 2 का ऐतिहासिक विस्तार जो अपने आप में ये दर्शाता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास कैसे होता है और कैसे देश के निर्माण और विकास में सबकी भागीदारी होती है। हर राज्य को, हर वर्ग को, हर जाति को, यहां तक के नौजवान महिला सम्मान, 11 महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके महिला सशक्तिकरण का एक प्रमाण दिया है आदरणीय मोदी जी ने, और ऐतिहासिक नौजवानों को भागीदारी पॉलिटिक्स विद परफॉर्मेंस को लेकर आगे बढ़ाया है। आज देश में जिस तरह से अमरनाथ जी कह रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि अभी देश की सरकार 3 साल 24 में है वहां चुनाव, और हमने देश के कोने कोने से हर राज्य से, हर वर्ग से, हर जाति, हर समुदाय से लोगों को भागीदारी दी है देश के विकास और निर्माण में। ये ऐतिहासिक निर्णय अगर कोई ले सकता था, ये विल अगर किसी में थी तो वो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी में थी और उन्होंने लेकर दिखा दिया। ये लोग तो खाली बस बातें करते रहते थे। आज जो परिणाम है और आज जो हमारी इच्छा शक्ति है वो साफ दिखाई दे रही है, ये प्रैक्टिकल किया है। मोहसिन जी, मोहसिन जी, अमरनाथ जी, घनश्याम जी से भी हम एक रिएक्शन लेते हैं। घनश्याम जी, देखिए राजनीतिक दल और उसके नेता क्या सोचते हैं ये अलग की बात है, लेकिन जिस जनता के बीच में आप लोगों का दल वोट मांगने के लिए जाता है वो दल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है। अब आप भले ही ये कहते रहे कि इनके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, या ये सब लोगों का विकास नहीं करते हैं, लेकिन जनता तय करती है ना, लोकतंत्र में तो जनता सब कुछ है। मैंने अभी बताया, जनता ने अभी तय किया है इनको। उत्तर प्रदेश को शमशान और कब्रिस्तान की देने वाली इस पार्टी को पंचायत चुनाव में इनका सूपड़ा साफ कर दिया। जब पंचायत सदस्य चुन के आई, एक लौती पार्टी थी जिन्होंने आदित्यनाथ के नेतृत्व में पंचायत सदस्यों की सूची जारी की कि ये हमारे पंचायत सदस्य होंगे, इनका सूपड़ा साफ हो गया। फिर किस तरीके से चीरहरण और अपहरण करके प्रशासन को अपराध में झोंक करके गुंडों को लाठी डंडे हथगोलों से भेज करके किस तरीके से इन्होंने पूरी चुनाव का अपहरण करने का प्रयास किया, वो सबके सामने है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इनकी कथनी और कथनी कहने में कितने का अंतर है। इनकी घोषणा पत्र में स्वस्थ हो घर घर परिवार में लिखा हुआ है, 15 मिनट में एम्बुलेंस सेवा, ये उन्होंने 2017 में कहा था। लोग तड़प तड़प के मर गए, एम्बुलेंस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला। इन्होंने घोषणा पत्र 2017 में कहा था 15 मिनट एम्बुलेंस सेवा, हर गांव में आधुनिक सुविधा से लैस प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। दूसरा पॉइंट है, प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बताइए कौन से हैं 25 नए, हर 6 क्षेत्रों में एम्स के स्तर का एक संस्थान। कुपोषण से मुक्ति के लिए 5 साल का अभियान चलाएंगे। कौन सा अभियान चलाया? उत्तर प्रदेश में कुपोषण बढ़ा है, स्टंटिंग बढ़ गई है। कहनी और कथनी में अगर अंतर देखा जाए तो आप मोदी जी के भाषण सुनिए और आदित्यनाथ के भाषण सुनिए। जब लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, ये ना लाशें गिन पा रहे थे ना उनकी अंत्येष्टि कर पा रहे थे, उल्टा उनको धमका रहे थे, अस्पतालों को धमका रहे थे। तो इस तरीके से खोखले दावों को जनता समझती, जनता जानती है अगर इन्हें दोबारा चुन लिया
तो आज जिस घर में एक बेरोजगार युवा है वो पूरा घर बेरोजगार हो जाएगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश के घर घर को बुरे दिन दिखाए हैं, इसीलिए घनश्याम जी माफी के साथ मुझे आपको यही रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सहयोगी अभी अभी जो जनसंख्या नीति है, नियंत्रण नीति है, उसके ड्राफ्ट की कॉपी उनके पास है और उस पर वो कुछ बुलेट पॉइंट्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। न्यूज रूम से अर्चना बताइए कि क्या है इस ड्राफ्ट में। मीनाक्षी, 18 पन्नों का ड्राफ्ट है जो इस वक्त इंडिया टीवी के पास है। इस ड्राफ्ट में बहुत विस्तार से सारी चीज़ें समझाई गई हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और जिनकी मल्टीपल शादियां हुई हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था, लोग जानना चाह रहे थे कि ऐसी शादियों में किस तरह से ये नियम लागू होगा। तो उसके लिए बहुत क्लियरली इसमें समझाया गया है कि अगर एक व्यक्ति 3 शादियां करता है और अगर उसकी तीनों शादियों से पहली पत्नी से 2 बच्चे, दूसरी पत्नी से 3 बच्चे और तीसरी पत्नी से 3 बच्चे होते हैं तो उस व्यक्ति के कुल 7 बच्चे हुए, तो उसको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो इसमें मेंशन है, जो चीज़ें कही गई हैं। लेकिन उसकी पत्नी जिनके 2 बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, दूसरी पत्नी जिनके 2 बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन तीसरी पत्नी जो है जिनके 3 बच्चे हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, ए एंड हिज वाइफ बी हैड 2 चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑन 1/1/2021, यानी 1 जनवरी 2021 ऑन 1 जनवरी 2023 दे सब्सिक्वेंटली हैव 2 चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ द सेकेंड प्रेगनेंसी। द एक्शंस ऑफ ए एंड बी आर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 2 चाइल्ड नॉर्म अंडर दिस एक्ट। तो यानी ये 1/1/2021 से है और ये इसमें साफ है कि किस तरह से ये क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इसको लेकर तमाम अर्चना, क्योंकि ये बहुत लंबा ड्राफ्ट है, हो सकता है अभी आपने भी पूरा पढ़ा नहीं हो, मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ, लेकिन एक कंफ्यूजन जो जनता के बीच में है अर्चना, वो ये है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये नीति लागू हो जाएगी उसके बाद अगर किसी परिवार में 2 बच्चे होते हैं तो उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन 2021 से पहले जिनके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं क्या उन लोगों पर भी ये नीति लागू होगी? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मीनाक्षी। ये 1/1/2021 से ही लागू होगा जो कि इसमें अभी लिखा हुआ है, बाकी 18 पन्नों का ड्राफ्ट है, ये पूरा ड्राफ्ट अभी पढ़ना होगा, उसके बाद चीज़ें पूरी तरह से साफ होंगी। लेकिन इसमें पॉलीगैमी को लेकर कई चीज़ें कही गई हैं, मैरिड कपल को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा ये इसमें बताया गया है ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पर्सनल लॉ गवर्निंग, जो पर्सनल लॉ के हिसाब से जो चलता है, द पर्सनल लॉ गवर्निंग ए अलाउज पॉलीगैमी, तो पॉलीगैमी के लिए है, उसके लिए भी इसमें नियम दिए हुए हैं अलग से। साथ ही साथ रिलीजियस और पर्सनल लॉ गवर्निंग ऑन इंडिविजुअल्स अलाउज फॉर पॉलीगैमस और पॉली एंड्रस मैरिज, देयर मे बी अ सेट ऑफ मैरिड कपल ईच ऑफ विच शैल कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन ओनली। ठीक है अर्चना, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और इस ड्राफ्ट को हम और बेहतर तरीके से आपके जरिए समझेंगे, लेकिन मोहसिन जी मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि क्या ये बहुत क्रूएल नहीं है, क्या ये बहुत क्रूर नहीं है कि आप एकाएक मान लीजिए कोई गरीब वर्ग से है, आप उससे सरकारी सुविधाएं ले लेंगे, वो कहां जाएगा? देखिए ये मैंने कहा ना कि उसमें जो मसौदा है अभी ये जनता के बीच में लाया गया है, ये एक मसौदा तैयार करके जनहित के लिए बनाया गया है, जनता को दिया गया है, इस पर जनता से उसकी राय मांगी गई है, सुझाव मांगा गया है, ये सारी चीजें उसमें होंगी, जब ये कानून की शक्ल लेगा तो ऐसा होगा। तो अभी बहुत सी चीजें हैं, चर्चा परिचर्चा इस पर होगी अभी जब मसौदा आएगा, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण इस वक्त प्रदेश की बहुत बड़ी जरूरत है जो कि इसको लेकर आगे सरकार बढ़ी है, ये हमारी एक अच्छी पहल है। देखिए मैं हमेशा कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं इस चर्चा के बाद एक सकारात्मक बात जो समझ पाई हूँ कि किसी भी दल को जनसंख्या के नियंत्रण पर कोई आपत्ति नहीं है, नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन बस मंशा को लेकर संदेह होता है और ये राजनीतिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, हमारे पास वक्त इतना ही था, हम जरूर कभी और इस पर चर्चा करेंगे। मोहसिन जी आपका भी और अमरनाथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान, आपको बताएंगे यमुना नगर में पुलिस और किसानों के बीच क्यों हुई झड़प। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।